बहन दोस्तों देखिए इस मिनिस्टर को, देश देखिए इस घमंडी मिनिस्टर को, और जिसके पास एक दो तीन चार बार लोग जाके मिल चुके, इसके घरों पे मिल चुके, इनके जाके ज्ञापन दे दिया, और इन्होंने वादा किया था कि हम आपको मिलाएंगे भी और दिलाएंगे भी, लेकिन आज ये चुप है, छुप के घूम रहे, आखिर क्यों? फिर इनके लिए चिट्ठी लिखी गई है कि श्रीमान जी अब हम क्या करें, हम आपके पास आने वाले हैं, जरा हमें जवाब अपना तैयार रखना। और ये है मंत्री अनुराग ठाकुर जी, और इनके बारे में सबसे पहले इनका वीडियो देखिए। वन रैंक वन पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन की स्कीम को लागू करने के निर्देश जारी किए। जब इसमें रिविजन हुई है तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा? ये इन्होंने सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन की घोषणा की है, यानी ये घोषणा मंत्री हो सकते हैं सरकार के। वन रैंक वन पेंशन की घोषणा की सरकार की, इन्होंने बहुत बड़ी तारीफ की, मोदी जी सैनिकों के हितैषी बड़ी तारीफ की, वो बात हो गई। उसके बाद इनके पास लगातार सैनिक जा रहे हैं, लगातार मांगों को लेकर जा रहे थे, तीन बार इनके पास गए, वो भी मैं आपको अपना ही वीडियो में आपको दिखा रहा हूं मिलने गए। ये हैं अनुराग ठाकुर हिमाचल के, पूरे हिमाचल के सैनिकों ने इन्हें फूल मालाएं पहनाई, इनका स्वागत किया, इनका ज्ञापन दिया, फिर इन्होंने किया वादा, इन्होंने वादा किया कि जरूर हम आपकी मुलाकात माननीय रक्षा मंत्री जी से कराएंगे, हम आपको जरूर ये मामला आपको संसद में उठाएंगे, हम सैनिकों के और हिमाचल में पूरा सैनिक ही तो है, और जब आप हो तो हमें सारी बातें भूल गए, मुकर गए, चुप हो गए। अब फिर इनको एक तगड़ा सा जवाब दिया जा रहा है, और ये लिखा है कल परसों 26 तारीख को लिखा है, और बिल्कुल बाट लगाइए इनको, बड़ी खरी खोटी सुनाइए कि आप भगवान मत बनिए, आप भी इंसान हो, यदि आपने वादा किया है तो उतना निभा दो, दो या मत दो, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप अपना मुंह क्यों छिपा रहे हो, जरा इस लेटर के जरिए क्या लिखा है जरा हम बात करते हैं। इसमें लिखा है अनुराग ठाकुर है माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले हैं, खेल मंत्री हैं, बिल्कुल एक सम्माननीय मंत्री है भारत सरकार के। ORP 2 में विसंगतियों के सुधार और विरोध पत्र के संबंध में आपको दिए गए ज्ञापन के मुद्दे पर आपके द्वारा की गई कार्रवाई, यानी आपको जितने हमने ऑफिस मेमोरेंडम दिए आपसे जितने मिले पर आपने क्या कार्रवाई की, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं आपने क्या कार्रवाई की, वो हम आपको बता रहे हैं इस लेटर के जरिए। मान्यवर महोदय, नौसेना, सेना, वायुसेना के संयुक्त गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्समैन JCNOR हिमाचल प्रदेश के सदस्यों के आदेश पर नीचे हस्ताक्षर करता विनम्रता पूर्वक सम्मान पूर्वक निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं, बड़ा रिगार्ड्स के साथ लिखा है, आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर आपके प्रतिनिधि को हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में दिए गए ज्ञापन की ओर से आकर्षित कर रहा हूं। आपके कार्यालय में 30 अप्रैल 2023 को एक ज्ञापन दिया और एक ज्ञापन 9 मई 2023 को एक समारोह में दिया और आपको माला आला पहनाई। यूनाइटेड फ्रंट जेथे उप राजू राम अध्यक्ष, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ PSM, यूनाइटेड सरका घाट, फिर आपके निवास पर गए 16 जुलाई 2023 को व्यक्तिगत रूप से इस संगठन के सचिव रमेश कुमार की ने आपके साथ मिले और आपने अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया। आपके द्वारा विसंगतियों को शीघ्र दूर करने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, यहाँ तक कि आपके PA जनरल सेक्रेटरी और जिसने लेफ्टिनेंट रमेश कुमार को बताया कि वो ROP2 में सामने आई विसंगतियों के मुद्दे को सुलझाने के लिए माननीय रक्षा मंत्री के साथ बैठक तय की जाएगी। मतलब इतना वादा और इरादा हमने दो तीन बार दिया, पूरा दिन और तारीख बता दिया, आपने क्या कहा हमने आपको वो बता दिया, अब आप कहाँ हो, आगे क्या, सुनो मजेदार बात। यह अधिक स्पष्ट और यथार्थवादी है कि नवगठित एक्स सर्विसमैन संगठन के सदस्यों ने राहत के बारे में न भूलने के लिए वर्तमान भाजपा सरकार सहित आपकी भलाई सहित कई हमने बहुत सारी चीजें जो आपको सपोर्ट किया। 9 माह से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन, व्यक्तिगत रूप से स्वयं को ज्ञापन सौंपने के बावजूद अब तक गतिरोध हुआ है, बहुत सीधे होने के नाते हम बेबस हैं। आपके उच्च कार्यालय को सूचित कर दिया गया, इसमें कोई संकोच नहीं कि ROP2 के मुद्दे पर यहाँ ऊपर बताए गए तथ्यों के कारण एक्स सर्विसमैन वीर नारी उनके परिवार आपको वोट देने के बारे में दो बार सोचेंगे, एक बार नहीं सोचेंगे, दो बार सोचेंगे, दूं या नहीं दूं, दूं तो फिर किसको दूं, आपको तो देना ही नहीं है, ये सोचेंगे। ये भी लिख दिया है कि सारा
एक्स सर्विसमैन कितने हैं, उनके परिवार कितने हैं, उनके आश्रित कितने हैं, उनकी वोट बैंक कितनी, आपकी हम बाट लगाएंगे। इस संचार के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश के सभी पूर्व सैनिक वीर नारी जेशुवार आश्रित परिवार सदस्य अपनी पीड़ा और निराशा व्यक्त करना चाहते हैं। तीनों ज्ञापनों के बावजूद श्रीमान जी आपके भले ने इस संबंध में बहुत कम काम किया हो, यह स्पष्ट रूप से राज्य के एक्स सर्विसमैन वीर नारियों की मांग की घोर अनदेखी आपने की है। कहने की जरूरत नहीं कि एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों को हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण संसद होने के श्री नेतृत्व वाली वर्तमान भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्रालयों का नेतृत्व करने के लिए सम्मानित कार्यालय में बहुत आपसे बहुत उम्मीदें थी। नरेंद्र मोदी जी ने सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है और उन्होंने कहा है वारूपी टी के मुद्दे पर आपकी ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई जवाब आया है, इसलिए मैं अपना घोर अपमान और ये हमारे घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। जब केंद्र सरकार सहित आपका भला बुरा इस ऐसे पेश करते हैं, वारूपी का कोई मुद्दा ही नहीं है। वर्तमान सरकार भी वारूपी को ऐसी उपलब्धि बताती है जो बहुत दूर है वास्तविकता से। यानी आप वारूपी की आपने राजनीतिक करके फायदा ले लिया, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। ये जेएसयू जवान आज भी आहत हैं, निराश हैं और दुखी हैं। उन्होंने क्या है, तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में अनुरोध किया जाता है कि ज्ञापन प्राप्त होने के बाद वो आरोपी टू के कार्यान्वयन पर उत्पन्न विसंगतियों के सुधार के मुद्दे पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही आपने जो आश्वासन देने के बाद कुछ किया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा वो आरोपी टू को लागू करने में कई विसंगतियां के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले सशस्त्र बलों के पीड़ित सेवानिवृत्त सैनिकों को सूचित किया जाता है। आपका विश्वासी कैप्टन जेसी वर्मा सेवानिवृत्त यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्समैन। यानी कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बोल दिया। आज इसी तरह स्पष्ट बोलने की जरूरत है इनके किसान है। यानी ये लोग झूठ बोल जाते, मुकुर जाते, कुछ भी कर जाते, लेकिन इनको चुभना है, इनको दर्द देना है, इनके रग रग पर आपको वहां डालना है कि नहीं, याद दिलाना है और सबक भी सिखाना है। धन्यवाद दोस्त।